दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बूटेबल पेन ड्राइव आप कैसे बना सकते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव के जरिए आप किसी भी कंप्यूटर के अंदर विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आपको किसी तरह की सीडी की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपली पेन ड्राइव की मदद से किसी भी डोज या फिर करप्टेड विंडोज अगर है तो उसको वापस से आप रीइंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या फिर किसी भी कंप्यूटर के अंदर। चलिए आज हम बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं सीखने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं चैनल SGS एजुकेशन। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और हम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना सीखने वाले हैं। अब हमें सबसे पहले बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए जरूरत होगी विंडोज की। इस वीडियो के अंदर हम विंडोज 10 प्रो को डाउनलोड करके उसे हम बूटेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप विंडोज 10 को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ये मैं आपको बता दूं 4 से 5 GB का सेटअप होगा, तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है और ये आपको zip फाइल के अंदर मिलेगा। फाइल को डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखा दूं इस टाइप की आपको फाइल दिखेगी। अब आपको क्या करना है, एक दूसरा सॉफ्टवेयर और है जिसका नाम है इमेज बर्न। आपको डाउनलोड इमेज बर्न पे क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकती हो। डाउनलोड करने के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें इमेज बर्न इस सॉफ्टवेयर की जरूरत आखिर क्यों है, क्योंकि हमने जो विंडोज 10 डाउनलोड किया है वो zip फाइल के अंदर है, rar फाइल के अंदर है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो विंडोज 10 है उसको हमें .iso फाइल में कन्वर्ट करना है। एक हिसाब से हमें यहाँ पर विंडोज 10 की .iso फाइल क्रिएट करनी है। तो हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यानी क्रिएट इमेज फाइल फ्रॉम फाइल्स एंड फोल्डर। हम इमेज फाइल बनाएंगे फाइल्स और फोल्डर में से। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको सोर्स सेलेक्ट करना है। सोर्स कौन सा होता है, जो कि आपने डाउनलोड किया है उसी फाइल को आपको यहाँ पर देना है। लेकिन ध्यान रखिए, जिस भी फाइल को आपने यहाँ पर डाउनलोड किया है उसको आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करके इसका फोल्डर बना लेना। फोल्डर के अंदर आपको दिखेगा कि सारा विंडोज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इमेज बर्न जो सॉफ्टवेयर है इसको हम ओपन करके इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके ब्राउज फॉर ए फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद में हमें यहाँ से सॉफ्टवेयर का जो फोल्डर है वो सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10, इसका हम फोल्डर सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद डेस्टिनेशन, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो .iso फाइल कन्वर्ट होगी, जो क्रिएट होगी, वो किस जगह पे आपको सेव करनी है, हम यहाँ पे क्लिक करके इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर हम ISO फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं। हम सेव पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। विंडोज 10 का जो साइज होता है वो 4 से 5 GB का होता है। हम यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और एक बार और यस पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो हमारा जो rar फाइल है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, ISO फाइल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। .iso फाइल होती है तभी हम पेन ड्राइव को बूटेबल कर पाते हैं और पेन ड्राइव की मदद से विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने का सबसे आसान तरीका अपना रहे हैं। जैसे ही ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है आपको यहाँ पर रिमाइंडर मिलता है, आप ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। अब हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अब यहाँ पर ये जो फाइल है वो क्रिएट हो चुका है, आप जाके प्रॉपर्टीज के अंदर डिटेल्स चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये ISO फाइल बन चुका है। अब हमें ज़रूरत होगी एक और दूसरे सॉफ्टवेयर की, जिसकी मदद से हम USB या फिर पेन ड्राइव को हम बूटेबल बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर उसी लिंक पर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर यानी रिफ्यूज का आपको यहाँ पर सेटअप मिलेगा। आप इस पर क्लिक करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप रिफ्यूज को आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके जो 1 MB का सॉफ्टवेयर है वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास जो पेन ड्राइव है वो कम से कम 8 GB की होनी चाहिए। 8 से कम GB की पेन ड्राइव के अंदर आप बूटेबल नहीं बना पाओगे, यानी कि 4 GB की आप अगर पेन ड्राइव लोगे तो वो बूटेबल नहीं हो पाएगी। आपको 8 GB या फिर उससे के ऊपर आपको पेन ड्राइव लेनी है। यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखी है, यहाँ पर नो लेबल दिखाई दे रहा है लेकिन पेन ड्राइव का नाम भी आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पर संडिक्स की पेन ड्राइव है और
29 GB इसके अंदर अभी स्पेस है, यानी 32 GB की पेन ड्राइव है। हम यहाँ पर बूट सिलेक्शन के अंदर डिस्क और ISO जो फाइल है उसको हम सेलेक्ट रखेंगे और सामने सेलेक्ट पे हम क्लिक करके हमने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो यहाँ पर .iso फाइल क्रिएट की है हम उसको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन, इसकी मदद से क्या होता है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो आप अपने पेन ड्राइव की मदद से विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप विंडोज टू गो पे क्लिक करते हो और अगर आप बूटेबल कर लेते हो तो इससे क्या होता है कि आप पेन ड्राइव के अंदर ही पूरा एक विंडोज रख सकते हो। जब आप कंप्यूटर को ऑन करोगे पेन ड्राइव लगाकर तो आपके कंप्यूटर के अंदर एक तो पेन ड्राइव का विंडोज होगा और दूसरा आपका जो मेन कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में जो विंडोज इंस्टॉल है वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको बस कुछ नहीं करना है, सारा काम आपका हो जाएगा, पूरा रेडी है, आप जस्ट स्टार्ट पे क्लिक कर दो। और यहाँ पर आपको एक वार्निंग शो होगी, डोंट वरी, आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। अब जो ISO फाइल थी वो यहाँ पर देखो आप कॉपी हो रही है, इसको होने में दोस्तों काफी समय लगता है। तो यहाँ पर पेन ड्राइव को बूटेबल होने में लगभग आप देख सकते हो 17 मिनट हो चुके हैं और अभी यहाँ पर ये 100% हो चुका है। अब आप डिस्क पीसी के अंदर जाके आप देख सकते हो कि आपका जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो चुका है। आप इसको कैसे इंस्टॉल करोगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, यानी कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ कैसे इंस्टॉल होता है वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ हम कंप्यूटर में बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं और उसके जरिए हम किसी भी कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियोज के साथ, नमस्कार।